हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रकारों के बारे में, किसके कितने प्रकार होते हैं। इसके मूलतः दो प्रकार होते हैं, पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है जिसको प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान नहीं था, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, जैसे रेतीली भूमि या पथरीली चट्टानों का अनुक्रमण। वहीं द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय का विकास होता है जहां इससे पहले कोई पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान था लेकिन बाद में नष्ट हो गया, तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे जंगल में आग लगने के बाद वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन पुनः वहां समुदाय का विकास होता है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। तो ये थे दोस्तों दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।